जगह पहुंचता है जहां लोग हल्ला कर रहे थे। तभी अर्जुन दिखता है कि एक बस का टायर एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा है, जिस वजह से बस वहां पर जाम हो गई है। इसलिए बहुत सारे लोग उसे धक्का मार रहे हैं। मुझे लगता है मुझे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बस का टायर गड्ढे में फंस गया है, इसलिए सड़क पर जाम लगा है। मुझे भी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहते ही अर्जुन बस के पास जाकर उसे धक्का लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, अर्जुन ने जैसे ही बस को टच किया वैसे ही उस बस का टायर बड़ी तेजी से उस गड्ढे से बाहर निकल गया, जिसे देखकर अर्जुन समेत वहां पर खड़े बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भाई कमाल कर दिया तुमने, सिर्फ बस को छुआ और उसका टायर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। भाई खाते क्या हो तुम, हम पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस काम में सफल ही नहीं हुए, तुम्हारे तो छूने से ही काम हो गया। अरे भैया इसी दुनिया के हो या किसी और दुनिया से आए हो, कुछ इस तरह की बातें लोग अर्जुन से कर रहे हैं। ये क्या हुआ अचानक मेरे साथ, मैंने तो ज्यादा तेज से बस को धक्का नहीं लगाया था, फिर कैसे बस का टायर एकदम से गड्ढे से बाहर निकला है? हैरान अर्जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है। अर्जुन के पास अभी उसकी सुपर पावर नहीं है, लेकिन क्या यह संकेत है जो उसे अपने अंदर दोबारा से सुपर पावर होने की झलक मिल रही है, या सिर्फ बस इत्तेफाक है? आगे अर्जुन घर पहुंचता है तो देखता है कि डेविड ज़ूल घर पहुंच चुका है, जो कि अभी जरूरी काम से मार्केट गया था। अर्जुन को देखकर वो बोला, अरे अर्जुन कहां चले गए थे तुम, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और फोन भी यहीं छोड़ा था तुमने, मैं तो परेशान हो गया था तुम्हें ढूंढते। अरे यहीं आसपास में ही गया था मैं, वो एक बस का टायर गड्ढे में फंस गया था इसलिए हेल्प कर रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। अरे वाह, क्या हमेशा ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हो तुम, डेविड ज़ूल ने सवाल किया। हाँ यही मेरा उद्देश्य है, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। यही तुम्हारा उद्देश्य है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या लोगों की हेल्प करना तुम्हारा पेशा है, डेविड ज़ूल ने पूछा। डेविड ज़ूल के इतना कहने पर अर्जुन को याद आया कि उसने जल्दबाजी में ये सब कहा है, इसलिए अपनी गलती को सुधारते हुए उसने डेविड को जवाब दिया। अरे मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मेरी बातों को सीरियस मत लेना, वो क्या है ना मैं थोड़ा फनी लड़का हूँ, वैसे आप बताइए, मैंने अक्सर गौर किया कि हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते हैं आप, अर्जुन ने कहा। हाँ उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, 3 बजे उठता ही तो कोई जंग थोड़ी लड़ने जाता हूँ, मजाकिया अंदाज में डेविड ने जवाब दिया। हमारे वर्ल्ड में 3 बजे उठने वालों को यह बोला जाता है कि वो काफी मेहनती है, जिसे अपने फ्यूचर की चिंता है, अक्सर 3 बजे वही उठता है जिसका अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हो। आपके 3 बजे उठने का कारण मुझे समझ नहीं आया, क्या आपका कोई फ्यूचर टारगेट है, अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन के सवाल पर डेविड का चेहरा उतर गया, कुछ देर वो कुछ नहीं बोला और फिर हड़बड़ाते हुए उसने जवाब दिया। मेरा टारगेट नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं, ऐसा कहते ही डेविड चला गया। तो वहीं अर्जुन के दिमाग में कहीं ना कहीं डेविड की इस बात को लेकर शक पैदा होना शुरू हो गया। इधर दूसरी तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को अपने कैबिन में बुलाया है, जहां वो उससे अपने भाई डॉक्टर ध्रुव के बारे में बात कर रहा है। डॉक्टर ध्रुव मेरा भाई है, तुम जानते हो उसे, श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। हाँ डॉक्टर ध्रुव को पूरा देश जानता है, वो एक महान साइंटिस्ट है, लेकिन मुझे आज पता चला कि डॉक्टर ध्रुव आपके भाई भी हैं, अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। हाँ यही मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरा भाई है, लेकिन जो भी वो कर रहा है ना वो बिल्कुल गलत है, श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन हम उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से जानते हैं, लेकिन वो गलत क्या कर रहे हैं, जरा बताएंगे कुछ, अर्जुन ने सवाल किया। वो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा है जिससे वो हमारे देश के यूथ के माइंड को कंट्रोल कर सके, और फिर उनके दम पर वो घटिया काम करेगा जिसकी उम्मीद तुम कर नहीं सकते, और देखते ही देखते सारी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाएगी। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे देश की पॉपुलेशन में ज्यादातर 60% यूथ है, जरा सोचो इतने सारे यूथ के माइंड को उसने कंट्रोल कर लिया तो वो क्या करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन सर डॉक्टर ध्रुव इतने महान साइंटिस्ट हैं, सारा सिस्टम लगभग उनके कंट्रोल में, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, अर्जुन ने हैरान होते हुए पूछा। अगर हम चाहें तो उसे उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन कैसे होगा, इतना बड़ा रिस्क लेगा कौन, क्योंकि डॉक्टर ध्रुव को उसके इरादों में कामयाब होने से रोकने का मतलब है उसके खिलाफ जाना, और डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ जाने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन, अगर तुम्हारे जैसा यूथ डॉक्टर ध्रुव को यह घटिया काम करने से नहीं रोकेगा तो और कौन है उसे रोकने वाला, अगर तुम्हारी तरह सब लोग सोचने लगे तो फिर बहुत जल्द वो इस इंसानियत की सूरत ही बदल लेगा, और तब ना ही मैं कुछ बोलने लायक रहूंगा और ना तुम छटपटाने लायक रहोगे। ये मत बोलो अर्जुन कि बुराई का नतीजा सिर्फ बुरा ही होता है, बेशक अभी डॉक्टर ध्रुव हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, हम सीधे तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से जितना बन पाए हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, अगर हमने वक्त रहते ये नहीं किया तो फिर इसका अंजाम बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन को समझाते हुए कहता है। ठीक है सर, अगर डॉक्टर ध्रुव इंसानियत की बर्बादी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे रोकें, अर्जुन ने श्रीनिवासन की बातों में हामी भरते हुए कहा। वेल डन अर्जुन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मेरे साथ कुछ लड़के हैं जिसे मैंने सीक्रेट तौर पर ध्रुव के अगेंस्ट सीक्रेट वेपन के तौर पर यूज किया है, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज से तुम भी उस टीम में शामिल हो जाओ और वक्त रहते बचा लो सब कुछ तबाह होने से, श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। जवाब में अर्जुन हां में अपना सिर हिलाता है। अगले ही पल श्रीनिवासन अपने फोन में से किसी को कॉल मिलाता है और अंदर आने का इशारा करता है। श्रीनिवासन के इशारा करते ही कुछ 4-5 लड़के वहां जाते हैं, जिसमें एक लड़का अर्जुन की जान पहचान का है और वो है उसका दोस्त विकी। अरे विकी तू कब से ये सब, अर्जुन ने चौंकते हुए विकी से पूछा। मैं जानता हूं कि तुम विकी को यहां इस हाल में देखकर शॉक हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि विकी इन सबका हेड है
जिसके अंदर में कुछ और लड़के काम कर रहे हैं और विकी इन सबको लीड कर रहा है, वो भी पिछले 3 महीने से। श्रीनिवासन ने अर्जुन की बात का जवाब दिया। पिछले 3 महीने से? लेकिन ये सब विकी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूं ना, अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। बेशक विकी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो सीक्रेट मिशन में शामिल था, इसलिए अभी तक वो मेरे कहे अनुसार चल रहा था और आगे भी मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, श्रीनिवासन ने कहा। अगले ही पल श्रीनिवासन अर्जुन समेत उन 4-5 लड़कों के साथ कुछ प्लानिंग करने लगता है जो कि डॉक्टर ध्रुव को लेकर है। श्रीनिवासन के केबिन से अब पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन बाहर आ चुका है और उसके साथ में है उसका दोस्त विकी। देखा मेरे दोस्त, टाइम कितना खराब आ चुका है, लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे लोगों की जान लेना ही क्यों ना, उसे भी खुशी खुशी करने को तैयार है, अर्जुन ने विकी से कहा। हाँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जीते कैसे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों के पास दिल नहीं होता, विकी ने जवाब दिया। अगले ही पल विकी की नजर वापस से काम्या पर पड़ी जो अपने दोस्त के साथ जा रही है, लेकिन आज काम्या ने अर्जुन को इग्नोर करने के बजाय उसके पास आना ही बेहतर समझा। अरे वो देख, काम्या आज तो तेरे पास आ रही है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं तो चला बेटा, तू संभाल लेना, ऐसा कहते विकी वहां से खिसक जाता है। तो वहीं काम्या ने अपनी दोस्त को कुछ दूरी पर रोक दिया और अकेले ही अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। तुम यही सोच रहे हो ना कि आज ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई, तो सुनो, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि मैं जिससे प्यार करती हूं वो तुम्हारे जैसा नहीं है। कहां तुम डरपोक लो कॉन्फिडेंस लड़के, और कहां वो, अरे उसका और तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, काम्या ने अर्जुन से कहा। अर्जुन को तो पता था कि काम्या ने जिसे पसंद किया है वो दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन है, लेकिन बावजूद इसके जानबूझकर अर्जुन ने काम्या से पूछा, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम क्या है जिसे तुम पसंद करती हो, जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो। तो ठीक है, अगर तुम्हारे कानों में इतनी हिम्मत है कि उसका नाम सुन सके तो सुनो, उसका नाम है अर्जुन, वही अर्जुन जो दिखता तो तुम्हारे जैसा है लेकिन तुमसे काफी अलग है, अरे तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो, समझे तुम, काम्या ने अर्जुन की इंसल्ट करते हुए कहा और वहां से चली गई। तो वहीं अर्जुन को काफी बुरा लगा, काम्या ने उसके सामने उसे छोड़कर अर्जुन को पसंद किया, इसलिए एक ओर अर्जुन दुखी है तो वहीं अब उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका है दूसरी दुनिया के अर्जुन को लेकर। वो जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालता है और दूसरे अर्जुन को लगाता है। दूसरी तरफ अपनी ही धुन में मस्त अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन का कॉल उठाता है जो कि अभी काफी गुस्से में है। अर्जुन बताओ, अचानक कैसे याद कर लिया, अर्जुन ने सवाल किया। हाँ यार, मुझे तुमसे अभी जरूरी काम है, तुम उसी पार्क में मुझे मिलो जहां तुमने उस दिन मुझे बुलाया था, एक तेज गुस्से भरी आवाज में पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे तुम ठीक तो हो, आज इतना चढ़कर बात क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है, एक हैरानी भरा सवाल अर्जुन ने किया। वो सब छोड़ो, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ऐसा कहते ही पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कॉल कट कर दिया और अगले ही पल गुस्से में कॉलेज से चला गया। अर्जुन अभी काफी गुस्से में, कॉलेज से जाते वक्त उसे काम्या एक नजर दिखाई देती है जिसे वो गुस्से से देखता है। तभी काम्या गौर करती है कि अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई है, उसे अब आगे होने वाली अनहोनी की आहट महसूस होने लगी। ये अर्जुन इतने गुस्से में कहां जा रहा है, काम्या ने मन ही मन कहा और घबराने लगी। मुझे इसका पीछा करना होगा, मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है, ऐसा कहते ही काम्या चुपके से उसका पीछा करने लगी। अर्जुन जो कि अभी काफी गुस्से में है, उसने गुस्से में अपनी साइकिल निकाली और काफी तेजी से साइकिल को चलाने लगा। कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे काम्या भी आने लगी। अर्जुन का पीछा करते करते काम्या उस पार्क तक पहुंच गई जहां कुछ दिन पहले अर्जुन ने उसे बुलाया था। काम्या ने अर्जुन को वहां देखा और वहां पर वो फूलों के पीछे छुप गई। पार्क में काम्या ने देखा कि दूसरी दुनिया से आया अर्जुन वहां पहले से मौजूद है, तो वहीं पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन उसे अपनी गुस्से भरी निगाहों से देख रहा है। अरे अर्जुन क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों, अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से पूछा। ओ तो इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, फिर एक बार गुस्से से पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे तुम्हें हो क्या गया आज, और तुम मुझसे ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, प्लीज बताओ मुझे क्या बात है, फिर एक बार अर्जुन ने पूछा। देखो अब ज्यादा बनो मत, तुम्हारा नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला, समझे तुम, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये सब किया, अरे तुम्हें अपना भाई अपना दोस्त सब कुछ समझा, लेकिन तुमने क्या किया, उल्टा मेरी पीठ में छुरा भोंका, मेरे विश्वास का गला घोटा तुमने, और ऊपर से कह रहे हो कि मैंने क्या किया, फिर एक बार पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन गुस्से में कहता है और अगले ही पल अर्जुन का गला पकड़ लेता है। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, मेरा गला छोड़ो, मैं कहता हूं मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द से कहराते हुए अर्जुन ने कहा। क्या आज तुम्हें दर्द हो रहा है, उस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया, आज तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, दोस्ती की आड़ में तुमने वो किया जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने गुस्से में कहा। इसे दिक्कत तो लग रहा है कि जैसे इसे ये गलतफहमी हो गई है कि काम्या इससे नहीं मुझसे प्यार करती है, मन ही मन अर्जुन ने कहा। अरे तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है भाई, अरे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को समझाते हुए कहा। अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, जो भी तुमने किया आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा, ऐसा कहते ही पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने एक जोरदार पंच रियल अर्जुन के फेस पर जड़ दिया जिससे अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल अर्जुन उठा और उसने देखा कि उसके नाक से खून निकल रहा है, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के ऊपर गुस्सा होने के बजाय वो उसे समझाने लगा। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हम दोनों आराम से बात करते हैं, मैं तुम्हें सारा कुछ समझा दूंगा, सुपर अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। नहीं नहीं अब नहीं, मुझे अब कुछ नहीं समझना, और नहीं तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बात करनी है, गुस्से भरी तेज आवाज में ऐसा कहते ही दूसरा पंच उसने फिर अर्जुन के फेस पर जड़ दिया और फिर एक बार अर्जुन धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा।
अर्जुन फिर एक बार जमीन से उठा, लेकिन इस बार वो पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को समझाने के बजाय अब उससे दो दो हाथ करने में जुट गया। उसने लगातार पंच पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के फेस पर जड़ दी, जिससे वो घायल हो गया। लेकिन अगले ही पल दूसरा अर्जुन उठा और जवाबी अटैक रियल अर्जुन पर करने लगा, और देखते ही देखते इन दोनों की लड़ाई जानलेवा हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे का खून करके ही मानेंगे। ये सब एक जगह उसी पार्क में फूलों के पीछे छुपकर काम्या देख रही थी, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अरे यार, आज मेरी वजह से दोनों अर्जुन आपस में लड़ रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। ऐसा कहते ही काम्या दोनों अर्जुन के बीच में चली गई। काम्या को अपने पास आता देख दोनों अर्जुन लड़ाई करते करते रुक गए। काम्या, तुम यहां? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। हां मैं, ये तुम दोनों पागल की तरह लड़ क्यों रहे हो? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम दोनों यूं आपस में लड़ने पर तुले हो? काम्या ने एक तेज आवाज में पूछा। मतलब इन स्त्रियों ने देवता और राक्षस को भी आपस में लड़वा दिया है, और अब यही पूछ रही है कि क्यों लड़ रहे हो? रियल अर्जुन ने काम्या को देखकर पूछा। अरे तुम अभी चुप रहो यार, और तुम इस दुनिया के अर्जुन, बोलो क्या हुआ? काम्या के ऐसा पूछने पर पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने अपना सिर नीचे झुका दिया और वहां से जाने लगा। रुक जाओ, काम्या ने पीछे से आवाज लगाई। कहां जा रहे हो? काम्या ने अर्जुन के पास आकर कहा। मुझे माफ कर दो, मैं बेवजह ही तुम दोनों के बीच आ रहा था, सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, दूसरे अर्जुन ने जवाब दिया। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं अर्जुन, इसलिए अब वक्त आ चुका है जब हमें तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए, काम्या ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है काम्या, जो कुछ भी है शीशे की तरह साफ है, और वैसे भी अगर मैं थोड़ी देर और यहां रुका रहा तो तुम अर्जुन के सामने मेरी और बेइज्जती करोगी, और शायद इस बार मैं उसे सहन नहीं कर पाऊं। ऐसा कहते ही अर्जुन वहां से जाने लगा। अर्जुन कुछ ही कदम आगे बढ़ा था तभी काम्या दौड़कर उसके सामने आ गई। अर्जुन ने काम्या को देखा जो कि उसे अभी अभी कुछ बदली सी नजर आ रही, और यहां तक कि काम्या की आंखों से अब आंसू बहने लगे। काम्या को अपने सामने रोता हुआ देख अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जो काम्या उसे आज दिन भर उल्टा सीधा बोल रही थी, जो उसे नीचा दिखाने के लिए उसे बार बार इग्नोर कर रही थी, वही काम्या अभी पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के सामने गिड़गिड़ा रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना काम्या, मेरा आज वैसे भी मूड खराब है, इसलिए मुझे जाने दो, दूसरे अर्जुन ने कहा। अरे ऐसे कैसे जाने दो, तुम मेरी बात सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तुमसे, बिना कुछ सुने हुए जा रहे हो, अगर तुम यूं ही चले गए तो देखना बहुत पछताओगे, काम्या रिक्वेस्ट करते हुए बोली। जितना पछताना था ना पछता लिया मैंने, वैसे मन तो कर रहा है कि तुमसे बात ही करना बेकार, लेकिन ये दिल कहता है कि तुम्हारी ये बात मुझे सुननी चाहिए, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम, अर्जुन ने पूछा। यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन, और जो कुछ भी अभी तक तुम्हारे साथ हुआ वो सब मैंने और सुपर अर्जुन ने एक प्लानिंग के तहत किया था, ताकि तुम हमारे प्यार को समझो, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए प्यार है, जो मैंने अब तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखा है, काम्या ने पूरी बात बताते हुए कहा। ये सब सुनकर अर्जुन हैरान हुआ और अगले ही पल मुस्कुराया। ओहो, इतनी सी बात और इतना ड्रामा, ऐसा कहते ही अर्जुन दूसरी दुनिया से आए हुए अर्जुन के नजदीक गया। उसने पहले उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी नजरें झुकाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं यार, तुमने कोई गलती नहीं की है जो तुम माफी मांग रहे हो, सच कहूं तो तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो यही करता जो तुमने किया, मुस्कुराते हुए सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। उसके तुरंत बाद पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन काम्या के नजदीक गया। उसने पहले तो काम्या के आगे हाथ जोड़े और फिर उससे अपने किए के लिए माफी मांगी। मुझे माफ कर दो काम्या, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, अर्जुन ने कहा। और अगले पल अर्जुन काम्या के हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में रखता है और कहता है, जो बात मैंने आज तक तुमसे छुपा कर रखी, जिसे मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाया, या यूं समझो कि मुझे अब समझ आया कि प्यार क्या होता है, थैंक्स काम्या अपनी जिंदगी में मुझे शामिल करने के लिए, वरना मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं, अर्जुन ने कहा। तुम मेरे लिए पहले भी मेरे प्यार के काबिल थे और अब भी काबिल ही हो, अगर इससे ज्यादा कुछ और कहा ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मजाकिया अंदाज में काम्या ने जवाब दिया। काम्या के इस जवाब पर अर्जुन थोड़ा शर्माया, फिर जैसे तैसे हिम्मत करके उसने काम्या को प्रपोज किया। आई लव यू काम्या, आई लव यू टू अर्जुन, काम्या के इस जवाब ने अर्जुन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह दूसरी दुनिया के अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन और काम्या को मिलाने का काम किया। पैरेलल यूनिवर्स का अर्जुन और काम्या इसी तरह दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। काम्या, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, अर्जुन ने कहा और फिर काम्या के करीब जाने लगा। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। काम्या की लठ हवा में लहरा रही थी और अर्जुन काम्या की आंखों में लगातार देखे जा रहा था। वो दोनों अभी आगे बढ़ते कि तभी सुपर अर्जुन ने खांसते हुए कहा, अरे ओ इमरान हाशमी। अर्जुन की यह बात सुनते ही दोनों अलग हो गए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ अर्जुन, अगर तुम आज हमारा साथ नहीं देते तो ये मुझे कभी पता नहीं चल पाता कि अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है, तभी मुस्कुराते हुए काम्या ने अर्जुन से कहा। तुम्हारे प्यार का फुल एंड फाइनल तो हो गया, लेकिन वहां मेरे प्यार का क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं अपनी काम्या से कभी मिल पाऊंगा भी या नहीं, मायूसी भरी आवाज में अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन के इतना कहने पर पैरेलल वर्ल्ड के काम्या और अर्जुन उसके पास आए और उसे दिलासा देते हुए बोले, तुम अच्छे इंसान हो अर्जुन, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा प्यार काम्या जरूर मिलेगी। हाँ, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं मेरे पास। अरे मैं तो ये भी नहीं जानता कि अभी काम्या किस हाल में होगी,
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जा भी पाऊंगा या नहीं। और अगर वापस चला भी गया तो क्या मेरे लिए चीजें वैसी ही रहेगी जैसी मैं वहां से छोड़कर आया था? अर्जुन ने एक बार फिर मायूसी भरा जवाब दिया। एक ओर अर्जुन उदास है तो वहीं दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में आज संडे का दिन है और आज रणवीर के ऑफिस की छुट्टी है। लेकिन रणवीर काफी परेशान है और उसकी परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ लाइका है। परेशान रणवीर खुद से ही बातें कर रहा है। मेघा का असल चेहरा अभी भी मेरे आंखों के सामने तैर रहा है। मैं चाहकर भी उस मंजर को नहीं भुला पा रहा हूं जो कल तक मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं चाहता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं, वो इंसान की शक्ल में कुछ और निकलेगा। खुद से बातें करते हुए रणवीर कहता है। तभी अचानक दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखते हुए रणवीर के माइंड में एक आइडिया आता है। मैंने अभी तक इस बात को किसी से भी शेयर नहीं किया, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुझे ये बात अपने दोस्त अरुण को बतानी चाहिए। लेकिन क्या यह सब ठीक होगा? अब जो भी हो, मैं इस राज को अपने जहन में छुपाकर ज्यादा देर नहीं रख सकता। अपने मन में ऐसा सोचते ही रणवीर तैयार होता है अरुण के घर जाने के लिए। अगले ही पल रणवीर जल्दी जल्दी में अपनी कार निकालता है और निकल पड़ता है रणवीर के घर की ओर। तकरीबन एक घंटे के बाद रणवीर अपने दोस्त अरुण के घर पर पहुंचता है। घर के गेट से अंदर जाने पर रणवीर की नजर गार्डन पर पड़ती है। वहां उसका दोस्त अरुण बैठा हुआ है और अरुण के साथ में एक आदमी खड़ा है जिसकी उम्र यूं ही कुछ 40-45 के आसपास है। अरुण चेयर पर बैठा हुआ उस आदमी से बातें कर रहा है जो खड़ा है। अरुण अभी काफी खुश है लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही बयां कर रही है। तभी उसे दूर से ही अपनी ओर आता हुआ अपना दोस्त रणवीर दिखाई दिया। उसे देखकर वापस से रणवीर मुस्कुराया। अगले ही पल रणवीर अरुण के पास आया, जिसे देखकर अरुण थोड़ा हैरान हुआ। उसने उससे पूछा, अरे क्या बात है मेरे दोस्त, आज अचानक यहां कैसे आना हुआ? अरे यार अब तुझे क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है जिसने मुझे परेशान कर दिया, रणवीर ने जवाब दिया। आखिर किस बात से परेशान हो गया तू, जरा बताएगा मुझे? अरुण ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूं इसीलिए, रणवीर ने इशारों में अरुण से उस आदमी की तरफ इशारा किया जो वहां पर खड़ा था। रणवीर के कहने का मतलब साफ है कि वो उस आदमी को वहां से जाने को कहे। हाँ हाँ मैं समझ गया, उसकी कोई जरूरत नहीं, चलो घर के अंदर चलते हैं, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अरुण ने कहा। कैसी जरूरी बात? रणवीर ने सवाल किया। तुम मेरे साथ अंदर चलो तो सही, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कहते ही अरुण के साथ रणवीर उसके घर के अंदर चला गया। घर के अंदर पहुंचकर रणवीर ने देखा कि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर वहां नहीं है, जिसे देखकर रणवीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने अरुण से इस बारे में पूछा, क्या बात है अरुण, अंकल आंटी और बाकी सब लोग कहाँ हैं? वे लोग आज घर पर नहीं है, हमारे किसी रिलेटिव के वहां कुछ फंक्शन था इसीलिए सभी लोग वहां गए, पर मुझे घर पर ही अकेला छोड़ गए, अरुण ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा तो आज तेरा हाल बेहाल है, चलो कोई नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा भी सही। बातें करते करते हॉल पर लगे सोफे में अरुण और रणवीर बैठ गए। अच्छा तो बता तुझे वो कौन सी जरूरी बात करनी थी मुझसे, रणवीर ने अपने दोस्त अरुण से पूछा। वो भी कर लेंगे लेकिन पहले तू बता तुझे क्या कहना था मुझसे, अरुण ने पूछा। नहीं नहीं यार पहले तू बता, मेरा थोड़ा सीरियस मैटर है, रणवीर ने जवाब दिया। ओ ऐसा क्या, चल ठीक है मैं ही बता देता हूँ, अरुण ने ऐसा कहा और टेबल पर रखी टीवी का रिमोट उठाया, फिर सामने दीवार पर लगे टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर डिस्कवरी प्रोग्राम चल रहा है, जिन्हें एक नजर देखने के बाद अरुण ने कहा, यार बड़ा बोरिंग है ये सब, बहुत दिन हो गए न्यूज नहीं देखे हुए, चलो आज न्यूज देख लेते हैं। ऐसा कहते ही अरुण ने रिमोट का बटन दबाकर चैनल बदला। आहूजा इंडस्ट्री के मालिक रणवीर आहूजा के साथ क्या हुआ ऐसा जो वे खुद की मर्जी से रोड पर आ गए? करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक रणवीर आहूजा के पास अब उनका कुछ भी नहीं रहा। न्यूज चैनल पर अभी रणवीर आहूजा को लेकर ये न्यूज सुर्खियों में है, जिसे देखकर रणवीर के होश उड़ गए। वो कुछ मिनटों तक तो कुछ भी बोल नहीं पाया, फिर थोड़ी देर बाद हैरान होकर बोला, अरे ये क्या अरुण, ये सब कैसे हो गया यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक रोती हुई आवाज में रणवीर ने कहा। अरुण रणवीर से कुछ कह पाता इससे पहले न्यूज में अरुण का नाम भी आया। आज से आहूजा इंडस्ट्री के मालिक रणवीर के दोस्त अरुण देसाई होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि रणवीर आहूजा इन दिनों काफी डिप्रेशन में चल रहे हैं, ये उनका कोई निजी मामला भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोस्त अरुण देसाई के नाम कर दी। टीवी में इस खबर को सुनकर रणवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अरुण को देखा और कहा, अरुण क्या है ये सब? ये जो भी है सच है, अरुण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ये तो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है, रणवीर ने फिर एक बार हैरानी भरा सवाल किया। ऐसा हो चुका है मेरे दोस्त, अब तू भी इसे एक्सेप्ट कर ले, तुझे याद है ना एक दिन मैंने तुझसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे और तूने मुझ पर भरोसा करके बिना उस पेपर्स को पढ़े हुए उन पर साइन कर दिए थे, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अरुण ने जवाब दिया। अरुण की इस बात पर रणवीर गुस्सा आया और उसने अरुण का कॉलर पकड़ लिया। कमीने, मैंने तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला, उल्टा मुझे ही डस लिया, अरे तू तो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं, रणवीर ने एक तेज आवाज में कहा। इसलिए कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो, किसी और पर नहीं, और हाँ मेरा कॉलर छोड़ो वरना इसका खामियाजा तुम्हें अभी भुगतना पड़ेगा, अरुण ने गुस्से से कहा। लेकिन रणवीर ने एक जोरदार पंच अरुण को जड़ दिया। अगले पल अरुण उठा, उसने अपने बॉडीगार्ड्स को और कुछ लोगों को वहां बुलाया। धक्के मारकर बाहर निकाल दो इसे, अरुण के ऐसा कहते ही उन तीन चार लोगों ने रणवीर को पकड़ लिया, लेकिन रणवीर ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। फिर वापस से वो गुस्से भरी नजरों से अरुण को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी वहां पर 5 से 7 लोग और आ गए और उन सभी लोगों ने मिलकर रणवीर को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं आज तुझे जान से मार डालूंगा,
गुस्साया रणवीर अरुण की तरफ गुस्सेल नजरों से देखते हुए बोला, क्या रणवीर अपना बदला ले पाएगा? रणवीर को अरुण के लोगों ने पकड़ लिया था और उसे मार रहे थे। अच्छा, इसकी ये मजाल जो मुझे आज दिखाया, बाबूजी के ऊपर थोड़ा हाथ साफ करो और इसे बाहर निकाल दो, तभी अरुण ने कहा। और अगले ही पल रणवीर के ऊपर उन लोगों ने लात घूसों से हमला करना शुरू कर दिया और फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये जिंदगी रेल की पटरी की तरह है, जहां हर कदम पर संभल कर चलना पड़ता है। जरा से भी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो जिंदगी पटरी से नीचे उतर जाती है। रणवीर आहूजा, जो कल तक आहूजा इंडस्ट्री का मालिक था, आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक तरफ रणवीर के साथ जो कुछ भी आज घटा है उससे उसको गहरा सदमा लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज के साथ मौजूद लायका को टीम हेड रोमा से रणवीर आहूजा की खबर मिलती है कि रणवीर आहूजा के पास अभी उसका कुछ भी नहीं है, जिसे सुनकर लायका को काफी दुख हुआ। उसने रोमा से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं टीम हेड, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है लायका, सुनने में आया कि अब आहूजा इंडस्ट्री का मालिक अरुण देसाई होगा, जिसे रणवीर आहूजा ने ही उसके नाम कर दिया है, रोमा ने कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, रणवीर अपना सब कुछ अपने दोस्त अरुण को सौंप दे, वो ना हो इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है, और रणवीर वो तो पूरी तरह टूट गया होगा, मुझे रणवीर से मिलने जाना होगा, परेशान लायका मन ही मन कहती है। ठीक है, मुझे भी चलना चाहिए, वरना मैं अपनी ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगा, ये इंसान बनकर क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है मुझे, ऐसा कहते रोमा वहां से चला गया। रणवीर के हाथ से उसका सब कुछ छिन गया है, लेकिन एक एलियन होने के बावजूद लायका को भी गहरा सदमा लगा है, और एक एलियन होने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लायका को रोते हुए विराज दिखता है और उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो लायका, क्या तुम्हारे रोने का कारण जान सकता हूं मैं? कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, और मैं क्यों रो रही हूं इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूं, और बता भी दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लायका ने जवाब दिया। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम अभी रणवीर आहूजा के बारे में सोच रही हो, अगर मैं गलत हूं तो बताओ, लायका को दुखी देख विराज ने कहा। हाँ, ये सच है कि मैं रणवीर के बारे में ही सोच रही हूं, लायका ने जवाब दिया। और तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हें अभी रणवीर के पास होना चाहिए, विराज ने सवाल किया। हाँ, लेकिन मैं अभी चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकती, लायका ने उदास मन से कहा। क्यों क्यों नहीं जा सकती तुम, रणवीर से मिलने, विराज ने थोड़ी हैरानी भरा सवाल किया। तुम तो जानती हो ना कि मेरे पास मेरी सुपर पावर्स नहीं है, और इसी कारण मैं चाहकर भी इंसान नहीं बन सकती, और वैसे भी रणवीर मेरी असलियत को जान चुका है, मैं इस हालत में उसके पास कैसे जा सकती हूँ, फिर एक बार मायूसी भरा जवाब लायका ने दिया। इसका मतलब अब मुझे ही कुछ करना होगा, विराज ने जवाब दिया, जिसे सुन लायका चौंक गई। अब मेरी इस प्रॉब्लम में तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन है कोई, लायका ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। हाँ, इसका सलूशन है मेरे पास, ऐसा कहते ही विराज ने अपने दोनों हाथों को आगे किया और लायका के माथे को अपने हाथों से छुआ। कुछ ही देर में देखते ही देखते लायका वापस से इंसान बन गई, उसने वापस से उस शक्ल को पा लिया जिस शक्ल में वो एक खूबसूरत लड़की मेघा थी। खुद को वापस से इंसान बना देख लायका बेहद खुश हुई, उसने खुद के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर विराज से बोली, थैंक यू सो मच विराज, मुझे वापस से इंसान बनाने के लिए। ठीक है, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी करो और वापस से रणवीर के पास जाओ, उससे मिलो और उसकी मदद करने की कोशिश करो, मुस्कुराते हुए विराज ने कहा। तुमने मुझे वापस से इंसान तो बना दिया, लेकिन बावजूद इसके मुझे काफी डर लग रहा है, लायका ने थोड़ा घबराते हुए बोला। तुम्हें डर लग रहा है, पर क्यों, अब तो मैंने तुम्हें वापस से इंसान बना दिया, फिर तुम क्यों इतनी डरी हुई हो, विराज ने लायका से हैरानी भरा सवाल किया। क्योंकि रणवीर ने मुझे एलियन के रूप में देखा है, अगर मैं वापस से उसके पास चली गई तो पहले से परेशान रणवीर खुद अपना आपा खो बैठेगा, और ऐसा मैं नहीं चाहती कि रणवीर को कुछ हो जाए, वो मेरी वजह से परेशान रहे, लायका ने जवाब दिया। मैं इसके लिए तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि तुम रणवीर के पास जाओ और उसे अपनी सारी सच्चाई बता दो, फिर जो भी होगा उसकी टेंशन मत लेना, उसे वक्त पर छोड़ देना, और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं हूं ना, विराज ने लायका को समझाते हुए कहा। हाँ, मुझे लगता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, लायका ने विराज से कहा और अगले ही पल रणवीर से मिलने निकल पड़ी। एक तरफ लायका रणवीर से मिलने के लिए निकल चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर रणवीर अभी भी दुखों के सागर में डूबा हुआ है, उसे लग रहा है जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अब इस हकीकत को जान चुका है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वही असल में आस्तीन का सांप निकलता है, जैसा कि अरुण ने रणवीर के साथ किया। अरुण जो कि रणवीर का बचपन से ही अच्छा दोस्त था, लेकिन आज उसने रणवीर के खिलाफ एक गहरी साजिश रचकर उसे उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। परेशान रणवीर अपनी गाड़ी में घर को जा रहा है, तभी अचानक वो एक पार्क के किनारे अपनी गाड़ी रुकता है। ये पार्क बच्चों का है, जहां काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों को देखते हुए रणवीर उस पार्क के अंदर जा पहुंचता है और वहीं पर एक बेंच में बैठकर उन बच्चों को बड़े गौर से देखने लगता है। हालांकि रणवीर पार्क में खेल रहे उन बच्चों को देख तो रहा है, लेकिन उसकी आंखों के आगे अभी भी वो मंजर ताजा हो रहा है जो उसके दोस्त ने उसके साथ किया। रणवीर अपने मन ही मन सोचता है कि कैसे उस दिन उसके दोस्त अरुण देसाई ने उससे कुछ पेपर साइन कराए थे, और उस दिन बिना उस पेपर्स को चेक किए हुए रणवीर ने उन पर साइन कर दिए थे, जिसका अंजाम आज रणवीर को भुगतना पड़ रहा है। तभी उसका ध्यान पुरानी बातों से निकलकर वापस से उसका ध्यान बच्चों पर चला जाता है। तभी उसे पीछे से एक आहट सुनाई देती है। जैसे ही रणवीर पीछे की ओर मुड़ा, उसने देखा कि मेघा यानी कि लायका वहां खड़ी है, जिसे देखकर रणवीर की आंखें फटी की फटी रह गई और रणवीर उससे दूर जाने लगा।
तुम? रणवीर ने पीछे की ओर जाते हुए कहा। हाँ हाँ मैं। घबराओ मत रणवीर, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लायका ने कहा। नहीं नहीं तुम प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे तुमसे डर लगता है क्योंकि तुम इंसान नहीं हो ना, और इस बात को मैं अब जान चुका हूं, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, रणवीर ने थोड़ा घबराते हुए कहा। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लायका ने रणवीर को समझाते हुए कहा। नहीं नहीं मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे किस विश्वास की बात कर रही हो तुम? उस विश्वास की जो तुमने तोड़ा है। तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई, क्या तुम अभी भी मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? खरे विश्वास शब्द की गहराई पता भी है तुम्हें? रणवीर ने कहा। मैं जानती हूं कि मैंने तुमसे अपनी असलियत छुपाई है, लेकिन तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर मैं तुम्हें वाकई में कोई नुकसान पहुंचाने वाली होती तो कब का पहुंचा चुकी होती। मैं उतने समय तुम्हारे घर पर और तुम्हारे साथ ऑफिस में काम किया, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक एलियन होने के बावजूद मैं तुम्हें आसानी से मार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और ना ही मैं आज और ना आगे कभी ऐसा करने वाली हूं, लायका ने कहा। और इतने में वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देख रणवीर का दिल थोड़ा सा पिघला। वो अब लायका से दूर जाने के बजाय उसके नजदीक आने लगा। अरे अरे पर तुम इस तरह रो क्यों रही हो? रणवीर ने पूछा। तुमने तो ये मान लिया ना कि मैं इंसान नहीं हूं और मेरे पास कोई जज्बात नहीं है। अरे मुझे भी दर्द होता है, मेरा भी दिल दुखता है, मेरी कोई परेशानी रही है जिस वजह से मैं तुम्हें अपनी असलियत नहीं बता पाई। लेकिन अगर तुम जानी गए हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं इस प्लैनेट की नहीं हूं, मैं किसी दूसरे प्लैनेट से यहां आई हूं, और मैं एक एलियन हूं, मेरा असल नाम लायका है, लायका ने रणवीर को बताया। लायका की बात पर रणवीर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने लायका से पूछा। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी रही हो जिस वजह से तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छुपा कर रखा, और मैं हूं कि मुझे अपनी परेशानियां नजर आती है, लेकिन तुम्हारी नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज, रणवीर ने लायका से हाथ जोड़ते हुए कहा। ऐसा कहते ही रणवीर खुद को कोसने लगा। ऐसी बात नहीं है रणवीर, तुमने वो कहा जो तुम्हें कहना चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लायका ने रणवीर से कहा। लेकिन तुम अर्थ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हारा इस अर्थ पर आने का कोई उद्देश्य है, कोई ऐसा मकसद जिसे तुम पूरा करना चाहती हो? रणवीर ने लायका से सवाल किया। नहीं नहीं मैं पूरी सच्चाई रणवीर को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर रणवीर को सुपर अर्जुन के बारे में पता चला तो कुछ अनहोनी न घट जाए। हालांकि रणवीर एक अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी मुझे इस रिस्क को लेने से डरना होगा, लायका ने मन ही मन सोचते हुए कहा। और फिर वो रणवीर से बोली, मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगी रणवीर, लेकिन अभी मेरी एक मजबूरी है जिस वजह से मैं तुम्हें इस अर्थ पर आने का उद्देश्य नहीं बता सकती। बस तुम इतना समझ लो कि मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बातों की रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए तुम्हें इस बात को बताने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने मेरी असलियत को सबको बता दिया कि मैं एलियन हूं? लायका ने रणवीर से सवाल किया। नहीं नहीं मेगा, मैं लोगों को बताना तो चाहता था, लेकिन फिर मैंने काफी सोचा और इस बात को अपने जहन में ही छुपा कर रखा। लेकिन आज जब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था, तब मैंने इस राज को अपने दोस्त अरुण को बताना चाहा, लेकिन वो दोस्त नहीं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला, रणवीर ने जवाब दिया। अरे हाँ, मुझे आज पता चला कि तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोस्त अरुण के नाम कर दी, क्या ये सच है? लायका ने रणवीर से सवाल किया। नहीं मेगा ये सच नहीं है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, ऐसा कहते ही रणवीर रोने लगा। रणवीर को रोता देख लायका ने उसे संभाला और उसे वहीं पार्क में मौजूद एक बेंच पर बिठा दिया। तुम खुद को संभालो रणवीर, अगर तुमने अपना आपा खो दिया तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लायका रणवीर को समझाते हुए बोली। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। कल तक जिस रणवीर आहूजा का इस पूरे शहर में नाम था, आज वो रणवीर आहूजा को बदनाम कर दिया गया, रणवीर ने फिर एक बार रोते हुए कहा। तुम चिंता मत करो रणवीर, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। जो अरुण आज अपने इस घिनौने काम से खुद को खुशकिस्मत समझ रहा है, देखना तुम उसका दिन भी आएगा और उसे उसके लिए सजा भी मिलेगी, तुम्हें सब कुछ वापस से मिलेगा रणवीर, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, रणवीर के हाथों में अपना हाथ रखते हुए लायका बोली। जैसे ही लायका ने अपना हाथ रणवीर के हाथों में रखा, वैसे ही रणवीर को काफी अच्छा फील हुआ। उसे लगने लगा जैसे उसे इस दुख की घड़ी में किसी अपने ने सहारा दिया है। मेरे पास से मेरा सब कुछ छिन चुका है, लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई अपना मेरे साथ है, और वो हो तुम, रणवीर ने लायका से कहा। जवाब में लायका थोड़ा शर्माने लगी। मुझे लगता है अभी मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना, लायका ने कहा और फिर वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर रणवीर को देखा। अब रणवीर उस पार्क में अकेला है, तभी उसे अपने घर वालों की याद आई और फिर वो अपनी कार से घर के लिए निकल पड़ा। उधर दूसरी तरफ आज फिर अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन की जगह कॉलेज गया हुआ है, और ये बात सिर्फ पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन और काम्या को ही मालूम है। कॉलेज पहुंचकर अर्जुन सबसे पहले प्रोफेसर श्रीनिवासन के कैबिन में जाता है। अर्जुन को अचानक अपने कैबिन में देख श्रीनिवासन थोड़ा हैरान हुआ और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। अरे अर्जुन तुम आज इतनी लेट क्यों आ रहे हो, और तुमने मेरी पहली क्लास भी मिस कर दी, क्या बात है अर्जुन, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन से सवाल किया। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल मैं वो अर्जुन नहीं जिसे आप अपना स्टूडेंट समझ रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा अब मैं समझा, तुम दूसरी दुनिया से आए हुए अर्जुन हो, है ना? मेरा मतलब है सुपर अर्जुन। मैं तुम दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन इस दुनिया का अर्जुन है और कौन दूसरी दुनिया का, इसलिए आपसे मैं तुम्हें सुपर अर्जुन कहकर ही पुकारूंगा, श्रीनिवासन ने हल्की स्माइल के साथ कहा। हाँ सर मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, आप मुझे सुपर अर्जुन कह सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि बाकी लोगों के सामने मुझे इस नाम से मत बुलाना, अगर आपने ऐसा किया तो सारे लोग मेरी सच्चाई जान जाएंगे और फिर तो आप जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, अर्जुन ने प्रोफेसर श्रीनिवासन से कहा। बेटा अर्जुन तुम बेवजह इस बात की चिंता कर रहे हो, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा,
तुम भले ही दूसरी दुनिया से यहाँ आए हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि तुम आज तक अच्छाई के लिए लड़ते आए हो, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने आगे कहा। वैसे तुम यहाँ अचानक इस तरह क्यों आए? कुछ काम था क्या? आखिर अब क्या बताएगा अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन को?